तो देखिए हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, जान लीजिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा डेसिमल है यानी पॉइंट है, इसको क्या करना है, राइट साइड में क्या करना है, भेजना है। तो जब राइट साइड में भेजेंगे तो इसमें होगा क्या, हम आपको बता देते हैं। जब राइट साइड में भेजेंगे तो ये इसका जो पावर्स में आंसर आएंगे वो आएगा माइनस में, ठीक है। और कहने का मतलब ये है अगर यही इस साइड यानी राइट साइड में पॉइंट रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करके आपको बता भी देते हैं। यहाँ पर देखिए तो आपको पॉइंट्स कहाँ देना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए एक जीरो है लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही जीरो है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट देना है। यानी जो एट है इसके बाद आपको पॉइंट देना है, यानी एट तक आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ बीच में हम पॉइंट देते हैं, ठीक है, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही जीरो है तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में फाइव है, तो फाइव के पहले यहाँ पे पॉइंट देना है, यानी कितना हो जाएगा 8.5। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले ही हम बता देते हैं 8.5, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे अपॉन। अब आगे देखिए क्या करना है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ से आपको 8 तक काउंट करना है कितने नंबर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो जो पावर्स यानी 12 हुआ तो किस पर हम पावर्स देंगे, 10 पर। कभी भी जब पावर्स आपको देना होगा तो आप देंगे 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और 10 की पावर कितना लिखेंगे, 12, ठीक है। आ गया समझ में आपको, फिर से हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट से 8 तक जितने भी नंबर्स हैं आपको बस वही काउंट करना है, और 10 पे ही जितना ये नंबर्स होंगे उतना ही आपको पावर दे देना, बस और कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करके हम आपको बता देते हैं। देखिए अब आंसर आने का समय आ चुका है, यहाँ पर देख लीजिए 8.5 है, तो यहाँ पर IDT लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, अब यहाँ पर 10 है, इसका पावर क्या है, 12 है, ठीक है। तो डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या मिलेगा, 10 की पावर क्या मिला, 12। अब यहाँ पर देखिए जो 12 किस में है, प्लस में है, साइन नहीं है तो किस में, प्लस में है, तो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो साइन भी चेंज होगा, यानी ये किस में आ जाएगा, माइनस में। बस यही आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। मैं इसलिए स्लो फर्स्ट वाला वीडियो में इसलिए दिया हूँ फर्स्ट पार्ट, ताकि आप समझ जाएंगे तो सेकंड पार्ट भी ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है सेम ही है, फर्क इतना ही है कि यहाँ पे एक नंबर इन्होंने बढ़ा दिया है, और यहाँ पे दो ही नंबर था और यहाँ पे इन्होंने तीन नंबर दे दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, देखिए पॉइंट देंगे जो इधर से पॉइंट के बाद काउंट करेंगे ना, तो जो पहला नंबर पड़ेगा वहीं उसके बाद ही आपको पॉइंट देना है। यानी इधर से पॉइंट पड़ेगा 1, 2, 2 नंबर के पहले यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9.42। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, बता देते हैं आपको, यहाँ पे लिखेंगे 9.42, ठीक है। यानी फिर से हम बता देते हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, राइट साइड में हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड में भेजने का मतलब क्या होता है, इधर से देखिए ये बाकी सब क्या है, 0, 0 है, तो 0 के बाद आपका ये नंबर्स मिल रहा है 9। कोई जरूरी नहीं है कि 9 मिलेगा, 7 मिल सकता है, 8, कोई भी नंबर्स आपका मिल सकता है। तो जो भी पहला नंबर मिलेगा उसके बाद ही आपको क्या करना है, पॉइंट्स देना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स का रूल है, ठीक है। देखिए हमने लिख दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपॉन, ठीक है, यहाँ पे अपॉन कर लेते हैं, और पावर्स किस पे देना है, 10 पे, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। अब आपको करना क्या है, काउंट करना है। देखिए यहाँ से पॉइंट के बाद आपको काउंट करना है 9 तक, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका पावर क्या मिलेगा, 12, ठीक है। फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे 9.42, तो यहाँ पर लिखते हैं 9.42,
ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऊपर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी 10 की पावर 12, ठीक है। और देखिए यहाँ पे साइन है तो प्लस में है 12, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो इस प्रकार ये मिल गया आपका सेकंड पार्ट का फाइनली आंसर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट के, ठीक है। तो देख लीजिए थर्ड वाले पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम आपको शो करके भी दिखाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा हिंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने दिया क्या है, यहाँ पर हम बताते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग पहले समझ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में हमने किया क्या था, यहाँ पर देखिए यहाँ पे पॉइंट जो था इसको हम राइट साइड में भेज रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा था माइनस में। जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। और यहाँ पे देखिए पहले ही इन्होंने नंबर्स में दे दिया है, इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में राइट साइड में नंबर दे रहे थे, लेकिन थर्ड वाले पार्ट में लेफ्ट साइड में इन्होंने नंबर दे रखा है, ठीक है। तो जब इसका आंसर किस में आएगा, पहले ही बताए थे प्लस में आएगा, यानी जो पावर्स होंगे प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट को हमने फर्स्ट वाले पार्ट में राइट साइड में भेजा था तो माइनस में आंसर आया। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझ लीजिए अब पॉइंट को इधर लगाना है, तो इसको जब अब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कहने का मतलब ये है, हम बता देते हैं पॉइंट को जब राइट साइड में लेकर आएंगे तो प्लस में होगा, और वही पॉइंट को हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, लेफ्ट साइड में लिया था तो माइनस में आ गया, और इसको हम क्या करेंगे राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 है, तो 6 के बाद एक पहला ही नंबर मिल गया 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 लिख देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 6। और उसके बाद हम पॉइंट दे देंगे, पॉइंट के बाद देखिए 0 और 2 मिला, यहाँ पर क्या मिला 0 और 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और यहाँ पर लिख देंगे हम 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई, और पावर्स किस में देंगे, किस पर देंगे 10 पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, काउंट करना है, कैसे काउंट करेंगे ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 लगाया, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया, ठीक है। 6 के बाद पॉइंट यहाँ पे लगाया, तो पॉइंट के बाद पूरा संख्या हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 10 की पावर क्या मिलेगा 15, बस यही आपका फाइनली आंसर होगा। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है बस क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे, ठीक है। तो देख लीजिए फोर्थ वाले पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, तो देखिए फिर वही प्रोसेस मिल गया आपका सेकंड टर्म वाला, 0 के बाद पॉइंट, और यहाँ पर भी 0 के बाद पॉइंट, तो ये भी हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। लेकिन कितना आएगा हम चलिए सॉल्व करके आपको दिखा दें। देखिए यहाँ पर 8 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 8 लिख दीजिए, क्योंकि सबसे पहले ही 8 मिल रहा है, तो 8, उसके बाद आपको पॉइंट देना है, पॉइंट क्या मिलेगा 3c1, ठीक है बस। और उसके बाद करेंगे अपॉन, और पावर्स किस पे देना है 10 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो चलिए अब हम काउंट करके भी दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 8 के बाद हमने पॉइंट दिया, तो इस पॉइंट से लेकर 8 तक आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका पावर क्या मिलेगा 9, ठीक है, यानी 10 की पावर 9। अब करना क्या है, वही प्रोसेस होगा, ऊपर भेजेंगे इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे 8.37, और 10 की पावर 9 है तो ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं हम 10, ठीक है। अब ये पावर क्या मिला 9, तो देखिए यहाँ साइन नहीं है तो किस में, प्लस में, ये जो पावर्स 9 है प्लस में है, और ये जो ऊपर जाएगा तो साइन भी चेंज होगा, यानी किस में आएगा माइनस में। तो ये मिल गया आपका फोर्थ पार्ट का फाइनली आंसर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाले पार्ट की, तो चलिए लास्ट वाला पार्ट भी सॉल्व करके आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए लास्ट वाला पार्ट है क्या, ये भी आपको बता देते हैं, ये आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करता हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो थर्ड वाला पार्ट था सेम एडिटी ही फिफ्थ वाला पार्ट है, ठीक है। तो पहला ही नंबर मिल गया 3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, ठीक है 3, उसके बाद हम पॉइंट दे देंगे, उसके बाद क्या मिल जाएगा 186, तो यहाँ पर लिखेंगे 186, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब राइट साइड में भेजेंगे, तो राइट साइड में किस में आंसर आएगा, प्लस में ही आएगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, और पावर्स किस पे देंगे 10 पे ही देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 के बाद पॉइंट हमने दिया, तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट, अब यहाँ से काउंट कर लेंगे कितने नंबर्स हैं,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका पावर क्या मिलेगा, 10 की पावर 10। ठीक है, बस यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो देखिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए बाय, दैट्स इट।